नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत दास। अपना यूट्यूब चैनल श्रीकांत दास ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ एक अलग विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा बोले तो हम लोग अपना काम का रिलेटेड ही है। जो हम लोग का जो पाइल मारते हैं, हम लोग वो पाइल में जो बोरिंग होता है, जो रिग मशीन द्वारा जो बोरिंग होता है, उसका जो बकेट होता है, जो आगर होता है, उसमें जो बुलेट लगता है, वो बुलेट के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारा वीडियो बहुत देर से आता है, तो वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि हम जो वीडियो डालेंगे आप तक पहुँच जाए, सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज हम लोग देखेंगे वो कौन सा बुलेट है और क्या होल्डर है जो आगर में और उसका कटिंग जो बकेट होता है वो बकेट में लगा होता है, जो फिनिशिंग बकेट होता है उसमें भी लगा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये होल्डर होता है जो बकेट में साइड में ऐसा लगा होता है और उसको डिग्री में फिट किया जाता है। अभी यहाँ पर इतना ज़ोर से मशीन चल रहा है कि मैं वहाँ जाके अगर आपको बताऊँगा भी तो भी आपको इतना अच्छा से क्लियरिटी साउंड आएगा नहीं। इसके लिए मैं अभी बता देता हूँ, फिर वहाँ पर भी बताऊँगा तो थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होगा। अभी देखिए, ये इसको बोलते हैं होल्डर। होल्डर कई प्रकार का आता है, तो अभी हमारे पास ये वाला एक है और ये देखिए ये वाला भी एक है हमारे पास होल्डर, ये वाला भी है। तो अभी आज हम लोग ये वाला होल्डर लगाएंगे। ओके दोस्तों, ये वाला होल्डर को हम लोग लगा के इसमें देखिए पीछे ऐसा दो होल होता है, इसमें कोई भी एक होल ओपन रखना मांगता है। तो उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ये देखिए जो बुलेट है, ये बुलेट जब मशीन चलते रहता है तो चलते चलते ये घिसते रहता है मट्टी में। ये डायमंड लगा होता है, ये घिसते रहता है, ये घिस के ये खराब हो जाएगा तो ये इसमें से इसको निकल के फिर दूसरा न्यू वाला डालना होता है। देखिए, ये जैसे इसके अंदर ये फिट कर देगा ना, तो ये जगह ये रिंग है ना, ये रिंग जाके इसका जो ग्रुप है तो ग्रुप का अंदर जाके बैठ जाएगा, फिर ये निकलेगा नहीं। फिर इधर से होल में से कोई पिन डाल के नंबर मार के इसको निकालना पड़ता है। ओके दोस्तों, अभी इतना अभी आप लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग जब वहाँ जाके लगाएंगे उसके बाद फिर हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे। ओके दोस्तों, मार दिया है और बाहर से भी मार दिया है। अभी थोड़ा सा इधर दिखाओ,
देखिए अभी इसको अंदर से भी वेल्डिंग मार दिया है और पूरा मोटा से करके अच्छा से बाहर से भी वेल्डिंग किया और अंदर से भी वेल्डिंग कर दिया है। अब देखिए ये इसको बोलता है बुलेट, ये आगे में डायमंड लगा होता है और इधर देखिए एक सर्क्लिप लगा हुआ है जो ये होल्डर के अंदर जाके बैठ जाएगा, उसमें बाद में ये निकलेगा नहीं, उसी के अंदर में ये घूमना बनता है। तो अभी इसको ये होल्डर में इसको बैठाता हूँ और जब भी ये बुलेट ख़राब हो जाएगा तो ये होल से कुछ पिन डाल के हैमर मार के लाइनर के अंदर फिर उधर जाके बोरिंग करता है।